बंदे, ये केस है ना क्लोज अप वाले। चेक कर लेते हैं। या गांधी आपने हे वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब। चलो आज फिर सिक्स साउथ की कमाल की फिल्में लाया हूँ, जब आप देखोगे तो मज़ा आने वाला है। इनमें से कुछ फिल्म कमाल की सस्पेंस थ्रिलर पर होने वाली है, जो कि हाल में ही यूट्यूब पर हिंदी डब्ड होकर आई है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बस शुरू से वीडियो बिना स्किप किए देखना है। खास बात यह है कि जितनी भी मूवीज़ है वह हिंदी में देखने को मिलेगा, पर दोस्तों इनमें से कुछ मूवीज़ अनऑफिशियल ही यूट्यूब पर है, तो डिलीट होने से पहले देख लीजिए। दोस्तों अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दिया करो, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलते रहे। चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं, क्योंकि यहाँ डेली इस तरह की साउथ और बॉलीवुड की वीडियो मिलती रहती है। सो अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सिक्स पर तेलुगु भाषा की रहस्य थ्रिलर फिल्म अन्वेषी, इसमें विजय धरण दत्ला, सिमरन गुप्ता और अनन्या नागल्ला हैं। पिछले साल आने वाली इस मूवी को IMDB है 6.8 आउट ऑफ 10, साथ ही 60% गूगल यूजर ने लाइक किया। प्लॉट की बात करें तो अपने पिता के अनुरोध पर डॉ अनु अपने मूल स्थान पर एक अस्पताल स्थापित करती है और स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। रहस्यमय परिस्थितियों में अस्पताल में आग लग जाती है, जिससे अनु और उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों के बाद उस क्षेत्र के पास हत्याओं की एक श्रृंखला होती है, जहां अनु का अस्पताल हुआ करता था। विक्रम मौतों का जवाब जानने के लिए अपनी तलाश शुरू करता है। हत्यारा कौन है, सत्य का पता लगाने के लिए विक्रम ने क्या किया, यही कहानी का सार बनता है। कुल मिलाकर अन्वेषी एक प्रभावहीन थ्रिलर है, जो आप सबको लास्ट तक उलझाने वाली है। पांच पर भारतीय तेलुगु भाषा की अपराध थ्रिलर फिल्म सुपर ओवर, इसमें नवीन चंद्रा, चांदनी चौधरी, अजय मुख्य भूमिका में होने वाले हैं। 2021 में आने वाली इस मूवी को IMDB है 7 out of 10, साथ ही 94% गूगल यूजर ने लाइक किया। स्टोरी है इसकी, बचपन के दोस्त होने के नाते काशी, वासु और मधु एक खुशहाल और आसान जीवन जीते हैं। एक दिन अपनी फाइनेंस प्रॉब्लम से परेशान होकर मधु का झुकाव क्रिकेट सट्टेबाजी की ओर हो गया। क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन के अंत तक वह भारी रकम जीतता है और उसके दोस्त वासु और मधु इसका हिस्सा बन जाते हैं। असली कहानी यहीं से शुरू होती है, जब वे एक सट्टेबाज के माध्यम से बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। अपना पैसा वापस पाने के लिए उन्हें किस तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता है, मूवी देखने के बाद आपको इन सवालों का जवाब मिल जाने वाला है। तूने 1,70,00,000 गवा दिए। 1.7 crore। 1,70,00,000 का प्रॉफिट। चार पर तमिल भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म बैटरी, लीड रोल में होंगे सेन गुट्टुवन, अम्मू अभिरामी और दीपक शेट्टी। 2022 में आने वाली इस मूवी को IMDB है 4.8 out of 10, साथ ही 68% गूगल यूजर ने लाइक किया। पुगाज पुलिस विभाग में शामिल होता है और चेन्नई पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के रूप में तैनात होता है। उसी समय चेन्नई में एक जली हुई लाश मिलती है और पुलिस जांच शुरू करती है। पुगाजा कार्यालय में नया है, लेकिन एक पेशेवर की तरह मामले की जांच शुरू करता है। उच्च अधिकारी रत्नम अपने अधीनस्थ के कार्य की सराहना नहीं करता है, हालांकि मामले को संभालने में कुशलता जल्द ही एक संदिग्ध की ओर ले जाती है और रत्नम को पुगाजा के काम की प्रशंसा करनी पड़ती है। पुलिस ने संदिग्ध से पूछताछ करते हुए उसे बेरहमी से पीटा। पुगाजा को पता चलता है कि आरोपी पेसमेकर वाला हृदय रोगी है और वह उसे बचाता है। एक युवा लड़की आशा अदालत में संदिग्ध को जमानत देती है। आशा पेसमेकर वाली दूसरी महिला की तलाश कर रही है। अम्मू और पुगाजा मिलते हैं और जल्द ही उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। बैटरी की बाकी कहानी हत्या के असामान्य तरीके, पुलिस जांच और हत्यारे को ढूंढने के बारे में बात करती है। अगली तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाली है रंगबली। इनके कास्ट में है नागा शौर्य, युक्ति थरेजा, मुरली शर्मा। पिछले साल ही आई थी, जिसको IMDB मिली है 5 out of 10, साथ में 67% गूगल यूजर ने लाइक किया है।
कहानी की बात करें तो शौर्य एक शांतचित्त व्यक्ति अपने गृहनगर राजावरम से बहुत प्यार करता है और उसे छोड़ने के लिए अनिच्छुक है। हालांकि उनके पिता उन्हें जबरदस्ती पढ़ाई के लिए विजाग भेज देते हैं। वहां उसे सहजा नाम की एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है। दुर्भाग्य से सहजा के पिता राजावरम में रंगबली केंद्र से संबंधित एक मुद्दे के कारण उनकी शादी का विरोध करते हैं। मामला क्या है? क्या शौर्य इसे हल करने में कामयाब रहा? रंगबली केंद्र से जुड़ी समस्या से परशुराम कैसे जुड़े हैं? फिल्म उत्तरों का जवाब देगी। दो पर तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म में वैष्णवी चैतन्य, आनंद देवरकोंडा और विराज अश्विन मुख्य भूमिका में हैं। पिछले साल ही आई थी, जिसको IMDB मिली है 7.1 out of 10। साथ में 88% गूगल यूजर ने लाइक किया है। फिल्म की कहानी वैष्णवी और आनंद की है, जो स्लम एरिया से ताल्लुक रखते हैं। दोनों स्कूल के दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। फेल होने के कारण आनंद कॉलेज नहीं जा पाता और ऑटो ड्राइवर बन जाता है। वहीं वैष्णवी कॉलेज में दाखिला ले लेती है। इसके बाद वैष्णवी की जिंदगी में काफ़ी बदलाव आता है। इसी दौरान वह विराज के करीब आने लगती है। तीनों की जिंदगी उलझने लगती है और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। दूसरा हाफा खास है, जिसमें कुछ टर्न एंड ट्विस्ट हैं। फिल्म में फुल इमोशंस और ड्रामा है, जो यूथ को देखते हुए क्रिएट किया गया है। ऑटो ड्राइवर एक पर इंडियन हिंदी लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म मर्डर मुबारक। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, सारा अली खान, विजय वर्मा, डिंपल कपाड़िया, करिश्मा कपूर सहित कई कलाकार शामिल हैं। इसी 15 मार्च को आई है ये, जिसको IMDB मिली है 6.8 out of 10। साथ में 54% गूगल यूजर ने लाइक किया है। मर्डर मुबारक की कहानी रॉयल दिल्ली क्लब से शुरू होती है। ये क्लब सिर्फ हाई क्लास लोगों के लिए है, जिसमें रहने के लिए तमाम अमीर लोग बेताब दिखाई देते हैं। क्लब में दिवाली पार्टी चल रही होती है, तभी वहां से एक बच्ची की रोने की आवाज़ आती है, जिससे सभी डर जाते हैं। सब कुछ ठीक चला रहा होता तभी फिल्म में लियो मैथ्यू की जिम में एक्सरसाइज के दौरान अचानक मौत हो जाती है। क्लब के प्रेसिडेंट इसे एक हादसा बताकर मामला रफा दफा करना चाहते हैं, पर ACP भवानी सिंह का दिमाग कुछ और कहता है। वो ये साबित करते हैं कि ये मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी चाल है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, करोड़पतियों की जिंदगी से जुड़ी असलियत सामने आने लगती है। बाकी आगे कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आपके क्लब में एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ है। ये देख के लग ही नहीं रहा है कि 3 दिन पहले यहाँ एक कत्ल हुआ है और कातिल इन्हीं में से कोई एक है।